हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिका की रसोई। आज हम बनाएंगे चीला, और ये चीला आपको बहुत पसंद आने वाले हैं जो आप ट्राई करोगे। और ये प्रोटीन से भरपूर है, टेस्टी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए बनाना शुरू करें। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप काले चने, और इन्हें हम भिगो के रख दिया था 5-6 घंटे के लिए। और ये चावल लिया है 1 कप, और बराबर क्वांटिटी में लिया है, इन्हें भी हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अभी हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये मिक्सी का जार ले लिया है, और जार में हमने ये ऐड कर दिया है चने, और इसके साथ साथ ये चावल जो भिगे हुए हैं इन्हें भी डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा अदरक। 1 इंच अदरक मैंने काट के डाला है, थोड़ा सा बारीक कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 हरी मिर्च डाला है, और 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। और इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने दही डाला है, फ्रेश दही डाला है। और इसके बाद थोड़ा सा 1 टेबल स्पून पानी। और हमने अच्छे से पीस लिया है मिक्सी में। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होना चाहिए, पोडिंग। और एक बाउल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए, निकालने के बाद 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। बैटर को हमने रेस्ट पे रख दिया है। अभी चटनी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने धनिया ले लिया है, 1 टमाटर लिया है, और 1 टेबल स्पून ये मूंगफली लिया है भुना हुआ, और ये नारियल का बुरादा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट, हरी मिर्च ले लिया है, और अदरक ले लिया है। सारे इंग्रेडिएंट को हमने ये मिक्सी के जार में डाल देना है। टमाटर को काट के डाल देंगे, और धनिया और मूंगफली और डेसिकेटेड कोकोनट, आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हो। और इसके साथ ये हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा टुकड़ा करके डालेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून पानी डाल के पीस लेंगे। हमने चटनी पीस लिया है, और ये हमारी चटनी तैयार हो गया है। अभी यहाँ पे मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद एक तड़का तैयार करेंगे। और तड़के के लिए तड़का पैन तैयार कर लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें डाल देंगे राई, करी पत्ता, और ये लाल मिर्च। ये तड़का हमारा तैयार हो गया, और चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटा चटनी बनके तैयार है। और अभी हम चीला बनाएंगे। चीला या डोसा, आप जो भी कहो, ये बनाएंगे। ये देखिए, मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार है। हमने चीला बनाने के लिए तावा गरम कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, ऑयल स्प्रेड कर देंगे, और इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे ऑयल को, फिर ये बैटर डालेंगे। अभी 1 कटोरी या चम्मच से इस तरह से बैटर डाल के स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे किनारे किनारे में से। एक साइड से सीखने के बाद हम पलट देंगे। इस तरह से अलटते पलटते दोनों साइड से सेकने के बाद हम निकाल लेंगे, और सभी को इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी चीला बनके तैयार है। हमारी बहुत ही टेस्टी प्रोटीन से भरपूर हेल्दी चीला बनके तैयार है। और इसके साथ हम ये जो चटनी बनाया था, चटनी परोसेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो इस रेसिपी को ट्राई करके वेट लूज़ कर सकते हो। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।